Hey guys, welcome to Commerce Paathshala. I hope you guys are doing well and all the best for December term end examination. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं IPO 1 के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. इस वीडियो को पूरा देखना, आपको वो क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, राइट. एंड साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि आप हमसे नोट्स बाय कर सकते हैं जस्ट एट ₹300 पर पेपर, बट इफ यू आर अ ग्रुप मेंबर यू कैन गेट इट जस्ट फॉर ₹250 पर पेपर के अकॉर्डिंग. एंड Moreover, आपको assignments इसके साथ free of cost मिलेंगी. साथ ही साथ जो chapter wise question answers हैं, वो भी आपको free of cost मिल जाएंगे हमारे notes के साथ. So 300 में आपको सारी की सारी चीजें मिल जा रही हैं जो आपको examination में अच्छे marks लाने के लिए जरूरी हैं. So I would urge everybody to come and get it as soon as possible, ताकि आपका प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो पाए. एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए फटाफट आकर के हमसे ये नोट्स बाय कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट. तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है IBO 1 से रिलेटेड. डेफिनेटली जो पहला टॉपिक है हमारा, कमेंट ऑन द फॉलोइंग. आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, उसी के बेसिस पे ये नोट्स बनाए गए हैं, और उन्हीं नोट्स में से मैं आपको ये लेक्चर करवा रहा हूँ, ठीक है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, विच इज बेसिक फंक्शन प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आर एसेंशियली द सेम एज दोज इन्वॉल्व्ड इन द डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है ना. तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं या जो प्रोसेस या टेक्निक्स होती हैं, वो वही होती हैं जो डोमेस्टिक बिजनेस में यूज की जाती हैं, राइट. तो ये एक स्टेटमेंट है, आपको इसके ऊपर अपना कमेंट देना है कि ये सही है या गलत है या कितना सही है, राइट. तो इसी के बारे में हमारा ये लेक्चर है. इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी. साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, है ना. बिकॉज अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगी, किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा वो आपको मिल नहीं पाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो बेसिक फंक्शन होता है या प्रोसेस या टेक्निक्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, सेम चीजें जो है डोमेस्टिक बिजनेस में भी वही चीजें अप्लाई की जाती हैं, है ना. चलिए फिर देख लेते हैं. तो सिमिलैरिटीज की बात करेंगे, इस थोड़ा सा पहले पैराग्राफ कर लेते हैं. द स्टेटमेंट दैट बेसिक फंक्शन प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आर एसेंशियली द सेम एज दोज इन्वॉल्व्ड इन द डोमेस्टिक बिजनेस इज समवॉट ट्रू बट रिक्वायर्स फर्दर नुआंस, है ना. बहुत हद तक ये बात सही है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं जिसको हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, है ना. तो ये जो स्टेटमेंट है, क्या बोला गया, ये जो स्टेटमेंट है जहां पे बेसिक फंक्शन प्रोसेस एंड टेक्निक्स की बात की जा रही है जो इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होती है, वो सेम होती है जो कि डोमेस्टिक बिजनेस में होती है, ये कुछ हद तक सही है, सम व्हाट ट्रू, है ना, कुछ हद तक सही है, बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत है जो कि डिफरेंट होती है. तो एक एक करके हम लोग करेंगे. सबसे पहले है सिमिलैरिटीज. सबसे पहला पॉइंट है कोर फंक्शन. तो यस, दोनों के दोनों केस में कोर फंक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं. Both international and domestic business engage in fundamental business functions such as marketing, finance, human resource, operations and strategic management. ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जो core functions होंगे वो तो सेम ही होंगे ना. तो जो आप domestic business करो या international business करो, दोनों ही केस में आपको engage होना पड़ेगा fundamental business functions के साथ, जो कि है marketing, finance, human resource, operation and strategic management. दूसरा पॉइंट है बेसिक प्रोसेस. सो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर एसेंशियल इन बोथ कॉन्टेक्स्ट. ये दोनों चीज में आपको जरूरत पड़ेगी, है ना. डोमेस्टिक में भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है चीजों को, लीड करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में भी सेम चीजें करनी होती हैं. तो ये दोनों सेम है. तो ये दोनों पॉइंट जो है ये सिमिलैरिटीज को दर्शाते हैं. तीसरा पॉइंट है टेक्निक्स. Now, the process of planning or techniques, the standard business techniques such as market research, है ना, ये तो techniques ही है ना, कि आप अपने business में जहां भी आप invest करने जा रहे हो, जहां भी आप अपना time, समय, पैसा लगाने जा रहे हो, आप उस market के बारे में ठीक तरीके से research करो, financial analysis करो कि आपका financial कितना strong है at this point of time, and if you will invest your money more into the market, what will be the financial situation or position after some period of time जब आप उसमें invest कर रहे हो, है ना, what is your possible outcome that you're gonna get within 3 or 6 months, है ना. तो ये सारी चीजें जो है financial analysis भी करना जरूरी है, and performance management is definitely very important, are applicable in both domestic and international arenas, है ना. दोनों cases में ये चीजों की आवश्यकता पड़ती है. तो सिमिलैरिटीज में हम लोगों ने core functions, basic process and techniques कर लिया. अब हम इसके differences की बात करेंगे कि दोनों में क्या क्या
अंतर है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्कोप। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज वहां पे इंटरनेशनल लॉज लागू होती हैं। किसी भी कंट्री में अगर आप कर रहे हो तो आपको वहां की कंट्री के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा अपने बिजनेस को। बट अगर आप अपनी ही कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपनी कंट्री के बारे में बहुत हद तक आइडिया है, राइट? सो कॉम्प्लेक्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस। और स्कोप, लेकिन अगर स्कोप की बात की जाए तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में स्कोप थोड़ा कम मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टारगेट मार्केट है वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपका कंट्री है। पर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप हर एक कंट्री में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं अगर आप में वो क्षमता है तो, है ना? तो स्कोप बहुत ज्यादा होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। वही बात यहाँ पे बोली गई है, देखो इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन इन्वॉल्व अ हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना? यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है ड्यू टू मल्टीपल करेंसीज। अच्छा देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो करेंसी की होगी। आप अगर इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड करवा रहे हो, आपका इंडियन में रुपी चल रहा है, यूएस में डॉलर चल रहा है, तो दोनों को कन्वर्ट करना, वो भी रियल टाइम प्राइस पे कन्वर्ट करना, है ना? आज 84 रुपए है, कुछ महीने बाद 50 से 86 रुपए हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चेंजेस लानी होती है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डाइवर्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है, जो लॉज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का एक बैरियर होता है, एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है एक डिफरेंस जो है क्रिएट होता है या नजर आता है हमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस में, है ना? तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्कोप के बारे में हालांकि यहाँ पे नहीं बोला गया, पर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कोप की जहां तक बात रही, डोमेस्टिक बिजनेस में स्कोप थोड़ा कम होता है ग्रो करने का। कम मतलब क्या, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग 140 बिलियन आई मीन 140 करोड़ पीपल्स आर लिविंग इन इंडिया एंड वी आर सेइंग दैट हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, स्कोप नहीं है। भाई बहुत स्कोप है इंडिया में भी ग्रो करने का, राइट? बट अगर आपको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल जाए तो वहां पे आप और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, राइट? तो वो एक पॉइंट है डिफरेंसेस में। दूसरा पॉइंट है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले पॉइंट में किया है ना, कि जो लॉज होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो जो भी वहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी आपको उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को करना पड़ेगा। तो लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, डोमेस्टिक का भी डिफरेंट होता है, डोमेस्टिक का इंटरनेशनल के मुकाबले बहुत हद तक डिफरेंट होता है। सो इंटरनेशनल बिजनेस मस्ट नेविगेट वेरियस लीगल सिस्टम। इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे वेरियस लीगल सिस्टम्स की यूज की जाती है एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स विच कैन डिफर सिग्निफिकेंटली, जो कि बहुत हद तक जो है अंतर होता है जो कि आपके होम कंट्री में यूज हो रहा होगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉज और कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी, है ना, वहां पे जो हो रहा है। तीसरा पॉइंट है कल्चरल सेंसिटिविटी। तो ऑब्वियसली यार आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया का कल्चर जो है वो यूएस का कल्चर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कल्चरल जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। तो कल्चरल सेंसिटिविटी इज अ डिफरेंस, है ना? सो इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल नुआंसेस एंड डिफरेंसेस, है ना? ये आपको पता होने चाहिए कि दोनों कंट्रीज के बीच में क्या अंतर है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाओ, है ना? विच कैन अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके वजह से आप कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव आ सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है, जो नेगोशिएशन स्टाइल है उसमें यू नो चेंजेस आ सकते हैं, एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना? इसमें भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है जब आप बात कर रहे हैं दो कंट्रीज के बारे में, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तीसरा चौथा पॉइंट है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। सो यस, लॉजिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस एज वेल एज इन डोमेस्टिक बिजनेस, बट स्टिल आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे यू नो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। सो मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन ऑन अ ग्लोबल स्केल इन्वॉल्व डीलिंग विद लॉन्गर लीड टाइम्स, है ना? अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पे लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, सप्लाई चेन्स को मैनेज करना ऑन अ ग्लोबल स्केल, इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम जाता है, लीड टाइम जो है वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे वेरी ट्रांसपोर्टेशन मेथड, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। अब आप अगर इंडिया में किसी जगह से किसी जगह पे सामान भेज रहे हो तो आप बाई रोड, बाई प्लेन किसी भी तरीके से भेज सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा। लेकिन आप अगर आपको किसी और कंट्री में सामान भेजना है, प्लेन से भेजोगे तो भी भेज सकते हो, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जनरली जो है वो पानी के रास्ते होता है, है ना? तो पानी के रास्ते भेजो आप, फिर वहां पे जब सामान उतरा तो सामान उतरने के बाद वहां पे फिर जो है आपने रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मॉडल्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, मेथड्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, इसलिए जिसकी वजह से आपको डिफरेंट लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस की आवश्यकता, मतलब आपको फेस करनी पड़ती है, जो जो चैलेंजेस है वो आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है? उसके बाद वाला पॉइंट है पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क। तो ये तो भाई होगा ही, आपकी कंट्री में जो पॉलिटिक्स है वो आपको मे भी सपोर्ट कर रही है। आप अगर किसी और कंट्री में जा रहे हो सकता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स आपके प्रोडक्ट के एकदम खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, नॉट ओनली आपके प्रोडक्ट या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट के सपोज लोग अगर खिलाफ है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क आपको हमेशा देखने को मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस में, है ना? सो इंटरनेशनल बिजनेस फेस एडिशनल रिस्क
रिलेटेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई कंट्री में कहीं की सरकार इंस्टेबल है तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट तो हम लोगों ने पहले हालांकि किया कि रुपी में डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होगा उसमें किस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है। सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क विल ऑलवेज बी देयर एंड इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट विच क्रिएट डिफरेंसेज बिटवीन अवर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। अगला है कंक्लूजन, तो इसको कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। सो व्हाइल द फाउंडेशन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मे बी सिमिलर, हो सकता है कि दोनों के जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं जिसके ऊपर बिजनेस तैयार होता है, वो सेम है ना, लेकिन द एग्जीक्यूशन इन इंटरनेशनल बिजनेस इज फार मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। जो एग्जीक्यूशन होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस। कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स एडिशनल स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस में आपको एडिशनल स्किल्स और स्ट्रेटजीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी हमेशा ही। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दीज डिफरेंसेस इज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन द ग्लोबल मार्केटप्लेस, है ना। तो इन सारे डिफरेंसेस को समझना और उसको मैनेज करना बहुत जरूरत हो जाता है आपके बिजनेस को सक्सेस करने के लिए किसी भी तरह के मार्केटप्लेस में, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर ग्लोबल हो। ग्लोबल अगर होगा तो इसको और अच्छे तरीके से आपको समझना होगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट डिफरेंट होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपकी वीडियो काफी पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस जो है आपको टाइम पे मिलती रहे और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन ठीक तरीके से होता रहे। साथ ही साथ अगर किसी को नोट्स चाहिए तो फटाफट हमसे कॉन्टैक्ट कर लो, इट विल कॉस्ट यू 300 पर पेपर एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गिवन चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड असाइनमेंट्स एज वेल। बट दोस्त हुआ अ ग्रुप मेंबर, ग्रुप मेंबर बनने के सिर्फ आपको 100 रुपीज पे करना है और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों के चारों सेमेस्टर के असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 100 रुपीज में आपको चारों सेमेस्टर के असाइनमेंट्स मतलब तकरीबन 14 पेपर्स के असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नोट्स की कीमत जो है वो बहुत कम आपको पड़ेगी, नोट्स की कीमत आपको 250 पर पेपर पड़ेगी, जो कि बहुत यूजफुल है। ऑलरेडी बहुत लोगों ने दिसंबर के एग्जाम के लिए बाय करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो फटाफट हमसे बाय कर लीजिए, बिकॉज टाइम जितना आपके पास रहेगा स्टडी करने का उतना उतने आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस होंगे। अगर आप लास्ट टाइम पे बाय करोगे हो सकता है आपके मार्क्स उतने अच्छे ना आए, क्योंकि किसी भी टीम में चीज में टाइम देना बहुत जरूरी है, राइट। आप अगर खेलते हो तो खेल में टाइम देना जरूरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में टाइम देना जरूरी है। आप अगर टाइम किसी चीज में नहीं दोगे, आपको लगेगा कि नोट्स हम लोग बाय कर लेते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसा कर बिल्कुल मत करना। नोट्स लेकर के अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, आखिर के एक दो महीने बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि आपका हो जाए। साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा ही, राइट। तो नोट्स के अलावा आप उसको भी कर सकते हो, पर नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से क्या, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि नोट्स करने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, राइट। सो आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन बाय टेकिंग आवर नोट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अभी से, क्योंकि अभी से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।